तुम मत करना वरना पछताओगे, हम तो मर कर आते हैं तेरे पास, तू कहाँ जाएगा, हम तो मर कर आते हैं। इंस्टाग्राम से वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप इजीली बना सकते हैं, किसी भी इंस्टाग्राम से या आप अपने पर्सनली कैमरे से, अगर इस तरह से आप जो कि शायरी वीडियो बनाना चाहते हैं तो इजीली बना सकते हैं। इसके लिए आपको कोई ज़्यादा टाइम नहीं देना है और ज़्यादा आपको परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा आपको दिमाग भी खर्च नहीं करना है। डायरेक्टली आप इजी बस शूट करके इसे आप जो कि इस तरह से शायरी वीडियो बना सकते हैं। तो अगर आप भी बनाना चाहते हैं शायरी वीडियो तो हम आपको पूरा बताएंगे। तो अगर आप भी शायरी वीडियो बनाना चाहते हैं तो इजीली बना सकते हैं। कैसे बनाना है आपको शायरी वीडियो हम आपको इस वीडियो में पूरा बताने वाले हैं और पूरा आपको दिखाने वाले भी हैं कि शायरी वीडियो कैसे। शायरी वीडियो से आप जल्दी पॉपुलर हो जाइएगा और जल्दी से जल्दी आपका कोई चीज़ ग्रो करता है। तो चलिए इस तरह से हमने आपको जो कि फर्स्ट में जो आपने वीडियो देखा है कि कैसा आपको लगा, अच्छा लगा, देखिएगा हम ये शॉर्ट वीडियो जो कि आपको ये जो कि हमने बनाया है जो कि शायरी वीडियो है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। इसी तरह इजीली बनाने के लिए तो आपको क्या करना होगा, आपको इंस्टाग्राम को पहले ओपन करना होगा, या तो आप यहाँ से फ्रंट कैमरा भी है यहाँ से भी आप जो कि शूट कर सकते हैं। तो हम यहाँ इंस्टाग्राम से जो कि शूट करने वाले हैं तो हम क्या करेंगे, इंस्टाग्राम को ओपन कर देंगे और ओपन करने के बाद हमें क्या करना है, हमें ये प्रोफाइल है, देखिए ये प्रोफाइल, ये हमारा आईडी है, देखिए आईडी CK00787, अगर आप इतना सर्च करते हैं तो हमारा आईडी आ जाएगा। और जो भी इससे रिलेटेड बात करना होगा तो आप हमें कमेंट करके इजीली बात कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। ये देखिए हमारा जो कि नाम है चंदन कुमार राज के नाम से इंस्टाग्राम है, ये हमारे कुछ वीडियो हैं, फोटोज़ हैं जो कि आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए हम वीडियो कैसे बनाएं, अगर आप शायरी वीडियो बनाना चाहते हैं तो इजीली बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, कैमरे वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना होगा। चलिए हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आपको क्या करना होगा, सॉरी आपको वहाँ नहीं क्लिक करना होगा, आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलती है इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद ही आपको कैमरे का ऑप्शन मिलती है, कैमरे वाले पर क्लिक करके अब और यहाँ से आप अपना वीडियो बना सकते हैं। जैसे देखिए हम यहाँ हैं, कुछ वीडियो अपना शूट करना चाहते हैं, जैसे मैं हम आपको शूट करके भी दिखा रहे हैं। तो ये देखिए ये आपको कुछ इफेक्ट हैं, इफेक्ट आप लगा सकते हैं, अगर आपको इफेक्ट लगाने की अगर है तो आप इफेक्ट भी लगा सकते हैं और यहाँ से वीडियो को शूट कर सकते हैं। जैसे मैं देखिए और सेव करने के बाद हम इसे कहां करेंगे, इसे नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहां आपको सेव का एक ऑप्शन मिलता है, तेरी कसम खुदाई सेव वाले कहां पर है, तेरी कसम तेरी खुदाई हम यहां से डाउनलोड कर लिए, नहीं मिला तो हम लिए। तो हमने देखिए यहां हमने वीडियो हमारा जो कि वीडियो में आ चुकी है, हमने देखिए यहां वीडियो बनाया है, बहुत तकलीफ देता है, देख सकते हैं जो बिना कसूर के मिलता है, बहुत तकलीफ देता है वो जख्म जो बिना कसूर के मिलता है, जो बिना कसूर के मिलता है। तो ये वीडियो शूट हो गई, उसके बाद हम क्या करेंगे, काइन मास्टर में चल चलेंगे। काइन मास्टर में आने के बाद हमें क्या करना होगा, यहाँ से हमें कुछ वीडियो ले लेना है। देखिए हमने ये वीडियो को लगा रखा है, तो कैसे लेना है आपको क्या करना होगा, यहाँ लेयर पर क्लिक करके मीडिया पर जाना है। मीडिया पर जाने के बाद हमने जहाँ भी शूट किया है यहाँ से एक वीडियो उठा लेंगे और उठाने के बाद यहाँ से हम लगा लेंगे और यहाँ कुछ म्यूजिक हम बैठा लेंगे। जैसे हम ये हमारा हो गया म्यूजिक, हम यहाँ जो भी अगर आपने म्यूजिक रखा है तो म्यूजिक कर सकते हैं या तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बाद देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से आप वीडियो को बना सकते हैं। बनाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आप सेव कर सकते हैं और कैसे आप सेव कर सकते हैं वो भी हम आपको बताना है। ऊपर के आपको ऊपर में यहाँ सेव का एक ऑप्शन मिलती है, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। जिसे आप सेव पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद यहाँ आपको सेव वाले पर क्लिक कर देना, जिसे सेव वाले पर क्लिक करते हैं तो ये सेव होना स्टार्ट हो गया, थोड़ी देर में हमारा जो कि स्टार्ट हो जाएगी यानी सेव हो जाएगी। फाइनली वीडियो हमारी सेव हो चुकी है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हम अपना वीडियो देख लेंगे, हमने जो भी वीडियो को शूट किया है यहाँ हमको देखने के लिए मिल जाती है। तो आपने देखा कि कैसे हमने शॉर्ट वीडियो यानी हम शायरी वाले वीडियो को शूट की हैं, इसी तरह आप शायरी वीडियो को शूट कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं। तो हमारी दी ही जानकारी अगर अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।